धार जिले के कुक्षी में पिछले दिनों किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर चक्का जाम किया था, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने एक घंटे में जाम खुलवाकर खाद उपलब्ध करवाया, लेकिन 8 दिनों के बाद वापस हालत जस की तस बनी हुई है। गोदाम के अलावा कहीं भी खाद नहीं मिलने के बाग टाड़ा डही गदवानी निसुरपुर तक के किसान दूर से आकर दिन भर लाइन में लगकर हो रहे परेशान। एक किसान को खाद लेने में घंटों का समय लगता है, जिसके कारण किसान हो रहे हैं परेशान, जबकि गोदामों में रखा खाद गांव-गांव सोसाइटी के माध्यम से नगद मिल सकता है, इसके बावजूद भी सोसाइटी को नहीं उपलब्ध कराना खाद। इतना खाद रखा हुआ है गोडाउन के अंदर, फिर भी किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि इनको समय पे खाद नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं किसान? तो रोजाना दे रहे, सभी को दे रहे खाद पालते के आधार पे। सर बाकी खाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में रखा है और किसान दिन भर परेशान हो रहा है, जबकि इनको खेतों में जाके उनका काम भी करना पड़ता है, ये सुविधा तत्काल क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही कि 5-5 लोगों को तत्काल साथ में दिया जाए? नहीं तो तत्काल ही तो दे रहे, डेली दे रहे हैं हम तो, अभी भी चल रहा है वितरण। भीड़ कितनी है आपके यहाँ? भीड़ तो सुबह से लगी है यहाँ, आते जा रहा लगता जा रहा लाइन में। सर कहाँ कहाँ के किसान आ रहे हैं आपके यहाँ? अभी डही क्षेत्र के भी है, निसरपुर के भी है, इधर लोंगसरी के भी है, टांडा तरफ के भी आ रहे हैं, गिरवाना तरफ के भी आ रहे हैं, सभी दूर के आ रहे हैं। सर क्या कारण है कि इतनी दूर से किसानों को यहाँ के दिन भर सोसाइटियों में खाद भी नहीं मिल रहा है, वहाँ नगद में दे नहीं रहे हैं, वहाँ बंद है वितरण नगद में, और बाजारों में भी नहीं मिल रहा है, तो मात्र एक गोदाम है और मार्केटिंग सोसाइटी, दो जगह मिल रहा है। पूर्व में सोसाइटियों में माल नगद में बिक्री थी, आज से दो साल पूर्व में। इस वर्ष क्या हुआ कि वेयर हाउस में चालू कर दिया गया है, तो किसानों को करीबन 100 किलोमीटर दूर से माल लेने आना पड़ता है। हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तुरंत सोसाइटियों में ही माल नगद में बिक्री चालू कर दी जाए, जो किसान वहीं की वहीं माल ले ले। सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है, सोसाइटियों में डिफाल्टर हो जाएगी, कभी सोसाइटियों में नगद माल बिक्री हो रहे चालू हो जाएगी तो वहाँ के जो आर्थिक स्थिति जो खराब हो रही, सोसाइटी को आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है तुरंत सोसाइटियों को आदेश कराए और नगद में बिक्री वहाँ पे चालू कराई जाए।